अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी का मौजू शुरू किया। मुरक्कब इज़ाफ़ी का मौजू अब थोड़ा सा आगे चलेगा, इसमें चंद चीज़ें दाखिल होंगी, चंद चीज़ें शामिल होंगी। जी तो इसमें चंद चीज़ों का इजाफा होगा, चंद चीज़ों को चेंज किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इस मौजू को लेकर आगे चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद हमारे लिए लर्निंग के लिए क्या है। मैं पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी का बुनियादी तौर पर रिपीट कर देता हूँ। मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ और मुज़ाफ़ इलैह होता है। हमने तय किया था कि मुज़ाफ पर अल किसी सूरत में दाखिल नहीं होता, जबकि मुज़ाफ इलैह हालत जर में होता है। ये हमने चीज़ स्टडी कर ली थी। और मुज़ाफ का जो है वो एराब हल्का होता है। एक एग्जांपल लिखता हूँ, अल्लाह का रसूल। हमने ये तय किया कि हम क्रॉस करेंगे, सबसे पहले क्रॉस करके उसकी वोकैबुलरी ले लेंगे। और वोकैबुलरी में मैं रसूलुन और अल्लाहू, ये हमारे पास अरबिक वोकैबुलरी आ गई। अब हम कवानीन अप्लाई करते हैं। तो कवानीन में क्या होता है कि रसूलु तनवीन ख़त्म हो जाती है, इसको कहते हैं एराब हल्का होना, और अल यहाँ पे दाखिल नहीं होता। और अगली तब्दीली ये आती है कि जो मुजाफ इलैह है वो हालत जर में चला जाता है। तो ये बन गया रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। ये तो एक मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया। अब इसके अंदर जो चेंज मैं लाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको मुजाफ के लिए, मुजाफ के लिए मुसन्ना और जमा का कायदा, यहां पे दो चीजें अलग कर देता हूं, मुसन्ना व जमा मुजक्कर सालिम। सिर्फ इनके लिए ये कायदा होगा जो अब हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा जमा मुअन्नस और जमा जो है मुकस्सर, उसके लिए ये कायदा नहीं है। ये कायदा जो अभी हम स्टडी करेंगे ये सिर्फ मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम के लिए है। कायदा बहुत आसान सा है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं ताकि हम एग्जांपल में चेंजेस देख सकें। इसी को आगे लेकर चलते हैं, अल्लाह के दो रसूल। ठीक है जी, अल्लाह के दो रसूल। अब हमारे पास मुजाफ इलैह दो हैं, यानी मुसन्ना है। ये गौर करें कि मुजाफ इलैह हमारे पास दो हैं। अब हमें वोकैबुलरी चाहिए, वोकैबुलरी हम डायरेक्ट बना लेते हैं कि रसूल उनका मुसन्ना होता है रसूलानी, रसूलानी। और अल्लाह की अरबी तो अब हम मालूम कर चुके हैं। अब इसमें चेंजेस क्या आनी है ये सीखने की बात है। मुरक्कब इजाफी में जब मुसन्ना मुजाफ बनता है तो उसका एराब ऐसे हल्का होता है कि उसका नून ड्रॉप हो जाता है। तो बनेगा क्या, रसूल अल्लाही, नून यहां से ड्रॉप हो गया। अब इसका तर्जुमा है अल्लाह के दो रसूल। अब गौर करें, रसूलुल्लाही रसूलुल्लाही, यहां पे तर्जुमा है अल्लाह के दो रसूल, यहां पे है अल्लाह का एक रसूल। अब अगर हम एग्जांपल लेकर और मैं आपके सामने एग्जांपल लाऊं, खालिद की दो किताबें। ठीक है जी, सबसे पहले मुजाफ मुजाफिले की आइडेंटिफिकेशन कर ली, फिर हमने ये क्रॉस बना दिया ताकि हम एग्जांपल को अच्छी तरह बना सकें। अब हम वोकैबुलरी पे जाते हैं, अरबी किताबुन, उसका मुसन्ना बनाएंगे किताबानी, और खालिद की अरबी खालिदुन। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस नून को ड्रॉप कर देना है कि मुसन्ना में से नून ड्रॉप हो जाता है। बाकी क्या बच गया, किताबा खालिदिन। अब इसी तरह ये कई ये एग्जांपल्स में इस्तेमाल हो सकता है, मैं आपको जुमले में दूंगा। अब आपने रूल सीख लिया है, इस रूल को आपने जुमले में अप्लाई करना है, इस कानून को वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहां सैयारता खालिदिन, खालिद की दो गाड़ियां, जौजता खालिदिन, खालिद की दो बीवियां, बाबा अल मस्जिदी। अब अगर मैं आपको
अरबिक में मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसकी लिखकर दिखाऊं, ये तो मुसन्ना के एग्जांपल्स हैं, बाबुल मस्जिदी, बाबल मस्जिदी। फर्क क्या है, यहां पे एक दरवाजा है, यहां पे मस्जिद के दो दरवाजे हैं। तो ये तो सिंपल कानून है कि मुसन्ना में से नून आपने ड्रॉप कर देना है जी। अब हम जमा सालिम की तरफ आते हैं कि जमा सालिम की एग्जांपल कैसे बनेगी। मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, मक्का के मुसलमान, मक्का के मुसलमान। आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है मुजाफ व मुजाफ इलैह की। अब इसमें हम क्रॉस चलाएंगे, ये मुजाफ, ये मुजाफ इलैह। और मुस्लिमुन, मुस्लिमुन की अरबी जमा बनेगी मुस्लिमूना, सॉरी मुस्लिमूना। और मक्का टू, ये हमने वोकैबुलरी ले ली। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चेंज ये है कि इसका भी नून गिरा देना है, मुस्लिमू मक्का था। अब चूंकि ये गैर मुनसरफ इस्म है तो ये हालत जर में जबर के साथ आता, मुस्लिमू मक्का था। सिर्फ क्या हुआ, नून को हमने हजफ कर दिया, नून को डिलीट कर दिया, मुस्लिमू मक्का था, मक्का के मुसलमान। उम्मीद है आपको ये। तो बेसिकली कायदा फाइनली क्या डेवलप हुआ कि मुसन्ना व जमा व मुजक्कर सालिम में से आपने नून को हजफ कर देना है जब वो मुजाफ बने, जब वो मुजाफ बने तो नून इन में से हजफ कर देना है। ये सिंपली हमारे पास एक कायदा आ गया, कानून आ गया, जो परफेक्ट कानून है कि आपने नून हर सूरत में उसमें ड्रॉप करना है। हर नून नहीं, सिर्फ मुसन्ना व जमा मुजक्कर सालिम का, इन दो कैटेगरीज का नून आपने ड्रॉप करना है। अब हम एग्जांपल यहां पे मुअन्नस की लेकर देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो थोड़ा सा। मक्का की मुसलमान, अब यहां पे मुअन्नस ले लीजिए, आप जमा में है। सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन, मुजाफ मुजाफ इलैह। यहां पे इसको आप क्रॉस चलाएंगे, इसको भी क्रॉस चलाएंगे तो बनेगा मुस्लिमुन को हम मुअन्नस बनाए मुस्लिमतुन, उसकी जमा होगी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। और मक्कतु हमारे पास अरबी मौजूद है। अब हमने चेंजेस लानी है, चेंजेस क्या है कि इराब हल्का करना है इसका, इसका इराब सिंपली हल्का ऐसे होगा कि इसकी तनवीन सिंगल हरकत में बदल जाएगी और मक्का था मुस्लिमातु मक्का था, मुस्लिमातु मक्का था। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने मैं अरबी में लिखता हूं, जैसे अल्लाह की लिया आयतुल्लाही है जी, आयतुल्लाही अल्लाह की एक निशानी, अल्लाह की एक निशानी, आयतुल्लाही अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की निशानियां। अब मैं दो निशानियां करूं तो आया आयता अल्लाही, आयता अल्लाही, आयता अल्लाही। सो आयतुल्लाही आयत, आयतुल्लाही आयता अल्लाही। यहां पे अल्लाह की एक निशानी, अल्लाह की निशानियां, और यहां पे क्या है, अल्लाह की दो निशानियां, चूंकि यहां पे नून ड्रॉप है आयता। तो ये हमारे पास लर्निंग है, अब थोड़ा सा उसमें इजाफा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है जो हमें तौफीक अता फरमा रहा है कि हम अरबी को इस तरह से सीख रहे हैं। तो ये तो एक प्रैक्टिस है जो आपने करनी है, जो मैं आपको एक्सरसाइज में भी दूंगा। आज हम एक और नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जो इसी के अंदर इस्तेमाल होगा। देखिए अल्लाह का रसूल, अब ये जुमला ऐसे भी हो सकता है, उसका रसूल। अब आप देखें, अल्लाह के लिए मैंने क्या किया, जमीर इस्तेमाल की, और वो कौन सी इस्तेमाल की, उस। अब यहां पे हमारे पास ये जमीर है जो हमने जमायर पढ़े हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बन रहा है मुजाफ और ये उस बन रहा है मुजाफ इले। और अभी तक जो हमने जमायर पढ़े हैं वो जमायर हमने पढ़े हैं हुआ वाले, और वो कहलाते हैं हालत रफा के जमायर।
आज हम पढ़ेंगे हालत नसब और जर के जमायर, फिर उनको यहां हम इस्तेमाल करेंगे। हालत नसब व जर जमायर। तो जी उसी तरह वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुजक्कर, मोनस, मुजक्कर, मोनस और मुतकल्लिम, मुजक्कर, मोनस। ये हमने सबसे पहले एक चार्ट सा बना लिया। अब मैं आपके सामने वो जमायर रखता हूं। ये जो जमायर है ये अटैच जमायर होते हैं, ये कभी भी अलग लिखे हुए नहीं आते, बल्कि ये किसी ना किसी इस्म या वर्ब के साथ ये जुड़कर आते हैं या ये हर्फ के साथ भी जुड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह आज से आपने इनको याद कर लेना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं हुआ की जगह पर यहां है हु, अटैच हु, वो एक, हुमा, हुम, अटैच हुमा, अटैच हुम, ही, सॉरी, हा, हा, अटैच हा, वाहिद मुअन्नस, हुमा, हुन्ना। अच्छा जी, मुज़क्कर मुखातिब के लिए ये तो हो गया गायब, ये हाजिर और ये मुतकल्लिम हो गया। काफ पे जबर, का अटैच, कुमा अटैच तुम दोनों, कुम अटैच तुम सब, की अटैच वाहिद मुअन्नस के लिए, कुमा तुम दोनों और कुन्ना तुम सब। यहां पे होगा या अना के लिए और ना हम के लिए। तो ये सब अटैच हैं, ये बात याद रहे, ये अकेले नहीं आते। ये हालत नसब व जर के जमायर हैं, ये हालत नसब व जर के जमायर हैं। यहां जरूरत क्यों पड़ी इनकी, मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर दूं। हु वो एक, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हा वो एक मोनस, हुमा वो दो मोनस, हुन्ना वो सब मोनस, का तुम एक मुजक्कर, कुमा तुम दो मुजक्कर, कुम तुम सब मुजक्कर, की तुम एक मोनस, कुमा तुम दो मोनस, कुन्ना तुम सब मोनस, या अना मैं और नहनु ना हम। तो ये जमायर हालत नसब और जर के हैं। जब हमें जर और नसब के जमायर की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इनकी तरफ रेफर करेंगे और जो रफा वाले जमायर हैं वो रफा की सूरत में इस्तेमाल होंगे। यहां पर क्या जरूरत पड़ी, देखिए हमने ये बात पढ़ी है कि मुजाफिले हालत जर में होता है, तो अब हमें उसको जर में करना है, हमने उसको जर में करना है। मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं ताकि थोड़ी सी हमें आसानी हो और हम इस पूरे चार्ट को यहां पे एक दफा इस्तेमाल कर सकें। खालिद की किताब, जिसकी अरबी है किताबु खालिदिन, किताबु खालिदिन। अब हम यहां पे जुमला मुरकब लिखते हैं उसकी किताब, उसकी किताब। अब आइडेंटिफाई करें किताब मुजाफ, उस मुजाफिले अरबी बनेगी जी किताब, उनको हल्का कर दें किताबु। जैसा कि मैंने कहा है आपको ये अटैच्ड जमायर हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा ये अटैच्ड जमायर हैं, इसलिए यहां पर अब इसको हम अटैच लिखेंगे और वो हमारे पास है हु, उसका, किताबु हु, ये उल्टा पेश, पीछे पेश हो तो उल्टा पेश, ये मैं चीज आपको बाद में सिखाऊंगा। किताबु हु, उसकी किताब। अब आप आ जाएं जी उसकी दो किताबें, उन दो की किताबें, उन दो की किताबें, उन दो की किताबें। अब चूंकि वो दो हो गए तो अब हम क्या करेंगे, किताबु हुमा चुनेंगे, किताबु हुमा, उन दोनों की किताबें। अब आ जाए उन सब की किताबें, तो यहां पे आ जाएगा किताबु हुम, किताबु हुम। तो इस तरह अब चलते जाएंगे उन सब की किताबें, किताबु हा, उस मोनस की किताब, किताबु हुमा
उन सब उन दो मोनस की किताब, किताब हुन्ना उन सब औरतों की किताब, किताबों का तुम्हारी किताब, किताबों कुमा तुम दोनों की किताब, किताबों कुम तुम सबकी किताब, किताबों की तुम मोनस की किताब, किताबों कुमा तुम दो मोनस की किताब, किताबों कुन्ना तुम सब मोनस की किताब। यहां पे आए, यहां पे एक चीज लर्निंग की है, किताबों ना हम सबकी किताब। ये बात याद रहे कि जब यहां पर याए मुतकल्लम आएगा तो जो ये पेश है ये कन्वर्ट होके यहां पर जेर में आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि वो पढ़ना नहीं जाता इसलिए उसको चेंज कर दिया जाता, तो क्या कहा जाएगा, किताबी मेरी किताब। जब भी यहां पहुंचेंगे इससे पहले आपने क्या कर देना है, जेर लगा देनी है, किताबी। अब आपको चंद अल्फाज अगर दिए जाए कि इस गर्दान में इस्तेमाल करें तो आप वर्बली करेंगे, और कुरान पाक में इसका भी कसरत से इस्तेमाल है। मालुन, माल मुरक्कब बनाया जी, मालू हु उसका माल, मालू हु मा उन दोनों का माल, मालू हुम मालू हा, मालू हु मा मालू हुन्ना, मालू का मालू कुमा मालू कुम, मालू की मालू कुमा मालू कुन्ना तुम सबका माल, माली माली। इब्ने आदम क्या कहता है, मेरा माल मेरा माल, माली माली। सो मालू ना हम सबका माल। अब यहां पे आ जाए बैतुन, पूरे गर्दान में से गुजार सकते हैं, बैतु हु उसका घर, बैतु हुमा उन दो का घर, बैतु हुम उन सब का घर, बैतु हा उस मोनस का घर, बैतु हुमा उन दो मोनस का घर, बैतु हुन्ना उन सब का घर, बैतु का तुम्हारा घर, बैतु कुमा तुम दोनों का घर, बैतु कुम तुम सबका घर, बैतु की तुम एक मोनस का घर, बैतु कुमा तुम दो मोनस का घर, बैतु कुन्ना तुम सबका घर, बैती अब तागे नीचे जेर, बैती मेरा घर, बैतुना हमारा घर। चले आए थोड़े से इसके जुमले बना के देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हमारा घर दूर है, जे जी मुरक्कब इजाफी में मुब्तदा आपका हमारा घर है, ये मुब्तदा और दूर होना खबर, हमारा घर। अब इसको वही क्रॉस बनाएंगे, बई तू तो हो गया लेकिन चूंकि अटैच जमायर है, अब हम देखें कि हमारा के लिए नहनू की जगह पे हमें हालत जर की जमीर चाहिए, वो है ना, बई तू ना, बई तू ना हमारा घर दूर है, बईदुन हमारा घर दूर है, हमारा घर दूर है। उन सब की मस्जिद खूबसूरत है, उन सब की मस्जिद खूबसूरत है, ये आपका मुब्तदा, ये खबर, मस्जिदु अब हमें क्या, उन सब की मुज़क्कर है, हुम मस्जिदु हुम उन सब की मस्जिद खूबसूरत है, जमीलुन जमीलुन उन सब की मस्जिद खूबसूरत है। अब कितने जुमले आप बना सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस में वो दूंगा, प्रैक्टिस में देखें जितनी मेहनत जितनी कोशिश आप करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। आज के टॉपिक में हमने ये सीखा कि मुसन्ना और जमा जब मुजाफ बनते हैं तो उनका नून गिर जाता है, और उसके बाद हमने ये सीखा कि मस्जिद मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलेह जब हमारे पास ज़मीर आ जाए तो फिर हमें कौन से ज़मायर इस्तेमाल कर लें। तो आज आपके पास रफ़ा के ज़मायर के साथ ये नसब और जर के ज़मायर भी आ गए, और ये अटैच्ड हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा हमेशा जुड़े होते हैं। और एक और पॉइंट कि जब आना की जगह पे या ज़मीर इस्तेमाल होगी तो उससे पहले, अच्छा यहाँ पर मैं अब हम यहाँ पर रब्बुन भी कर सकते हैं, ठीक है जी, रब्बू हु उन एक का रब, रब्बू हुमा रब्बू हुम, रब्बू हा रब्बू हुमा रब्बू हुन्ना, रब्बू का तुम्हारा एक रब, तुम एक का रब मुजक्कर। अब देखें ये बड़ा बड़ा डेलिकेट डिफरेंस है कि एक जेर और जबर से मुजक्कर और मोनस का फर्क पड़ जाता है, रब्बी मेरा रब, रब्बू ना हम सबका रब, रब्बू कुम तुम सबका रब। तो यहां से अब देखें दीनुकुम दीनुन दीनुन, अब सूरा काफिरून में दीनी
सो दीनुहु दीनुहुमा दीनुहुम दीनू का, तो यहां पर आ जाए दीनी मेरा दीन, दीनू ना हम सबका दीन। अब बहुत सारे यहां पे अल्फाज ऐसे आ सकते हैं जिनको आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कलम कर सकते हैं और बहुत से इंशाल्लाह। तो ये आज आपके सामने एक नई चीज आ गई। अब आपने कुरान पाक में एक और चीज का गौर करना है, वो इन जमायर का जिनके साथ ये लगे हों, ये फेल के साथ भी होते हैं इंशाल्लाह, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम चूंकि नाउन पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउन के हिसाब से आज हमारे सबक में एक और चीज़ का इजाफा हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आपके सीखने में आसानी फरमाए, आपकी मदद फरमाए और अल्लाह मेरी भी मदद फरमाए कि मैं आपको अच्छी तरह से सिखा सकूँ, समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कथीरा। आमीन या रब्बल आलमीन।